अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई घर में किसी भी किस्म का मसला, कारोबारी बंदिश, रिस्क का मसला, जादू जिन्नात का मसला, तो अपनी इस बहन को याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, इससे पहले जैसा कि आजकल ख्वातीन का बहुत ज्यादा मसला है, परेशानी है, उनके लिए थोड़ी सी जो है अब बात करना बहुत जरूरी हो गई है। तो जैसा कि बहुत सी औरतों ने मसला खराब किया, परेशानी की कि हम आजकल बहुत ज्यादा मीडिया पे भी शोर है, हमसे भी सवाल किए जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अल्लाह से तौबा करें और अपनी बहनों और बेटियों और माओं की खुद हिफाजत करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत अपना जिस्म किसी दूसरी औरत के सामने नहीं शो कर सकती, यानी नहीं दिखा सकती, और इस औरत के जिस्म का हाल अपने खावन के सामने भी बयान ना करे, क्योंकि अपने खावन के सामने किसी अजनबी औरत के जिस्म का हाल बयान करना ऐसा ही है जैसे इसका खावन उस औरत के जिस्म को देख रहा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पर्दा फरमाया, तो वो औरत कैसी बदबख्त है जो सरेआम बाहर बाजार में जाए और दुपट्टा भी ना हो और अपने हक के लिए गलत तरीके से लड़े। औरतों ने लड़ना है तो अच्छे तरीके से लड़े, ठीक है ना, सुन्नत को शरीयत का लिहाज रख कर, क्योंकि उन्होंने नस्लें लेकर चलना है। तो अगर नस्ल अगर खराब होती है तो पूरी एक नस्ल बर्बाद होती है, ठीक है ना। तो आजकल हो क्या रहा है, बच्चियों को जितनी तलाकें, जितने नुकसान, जितनी शादियां रुकावटें, ये सब हो रही हैं, ये खवातीन की जो है गलतियों की वजह से ही है ना। अपनी औलाद की अगर तरबियत अच्छी की होती, अगर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए सोचा होता, तो कम से कम अल्लाह पाक जब है कि अगर मुसलमान भी है तो अल्लाह पाक जो से है कभी भी किसी की भी गलती को फिर माफ नहीं करते, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा वजीफा है, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में कोई सा भी ऐसा वक्त हो तो यकीन माने ये वजीफा 3 दिन आपने करना है। जिस मकसद या काम के लिए करेंगे, इंशाल्लाह आपका मकसद 3 दिन के अंदर अंदर घर बैठे हर मकसद पूरा होगा, नेकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। इस अजीबो गरीब से वजीफे को एक दफा जरूर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने इस वजीफे में इतनी ताकत रखी है कि आपकी सोच है, एक पानी का गिलास लें और जो मैं अमल अब आपको बताने लगी हूँ वो जरूर करें। एक पानी के गिलास में एक कागज के ऊपर लिखें, ठीक है, एक कागज के ऊपर आपने अर्रहमान, ठीक है, अर्रहमान बहुत ही रहम करने वाला, ठीक है, ये आपने पानी के मतलब के ग्लास ले लेना है, ठीक है। एक कागज भी लें, कॉपी पेंसिल से मतलब के उसके ऊपर कागज के ऊपर लिख लें कम से कम 11 मरतबा, बिस्मिल्लाह पर लिख के 11 मरतबा, अर रहमान किसी भी तरह आप लिख लें, हर नमाज के बाद उसके बाद आपने 100 मरतबा या रहमान की तस्बीह करनी है। पढ़ने के बाद आपने जो है उस कागज को पानी के अंदर छोड़ दें, जिसको आपने नक्श तैयार किया है उसको पानी में छोड़ दें और 100 मरतबा या रहमान पढ़ के, ठीक है, तो उस पानी को संभाल के रख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर 3 दिन आपने इसे तरह करना, हर नमाज के टाइम भी कर सकते हैं, नहीं तो ईशा के टाइम ये काम जरूर करें, एक टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पानी जो सा है ये आप समझ लें इतना बाबरकत है कि आपकी सोच है, जिस घर में ये पानी मौजूद होता है उस घर में कभी कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं आता। सुबह उठ के पानी के छट्टे जो उनसे हैं पूरे घर में लगाएं, अगर कोई बीमार है उसको पिला दे, फौरन ठीक हो जाएगा। बच्चे नाफरमान है, काम नहीं करते, कहना नहीं मानते, स्कूल का जो है मसाइल है, परेशान है, नालायक है, उनके लिए ये करें। घर में कारोबार की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, तो छट्टे लगाएं, पूरे घर में छिड़काव करें पानी का, स्प्रे बोतल में डाल के भी आप कर सकते हैं, वैसे हाथ से भी कर सकते हैं, बस ख्याल रखें कि नीचे ना गिरे। अगर कोई काम रुक गया है, कोई मसला हो गया है या कारोबार नहीं चलता, जहां पर आपका कारोबार है, जहां पर आप चाहते हो, आप अपने ऊपर भी छट्टे लगा सकते हैं तो फिर चले जाएं, या आप जो उनसा है वहां पर पानी को ले जाएं, अपनी अगर शॉप है तो वहां पर लगाएं, इंशाल्लाह इतना रिस्क आएगा कि आपकी सोच है। कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई भी मसला है, नीयत इस अमल को करने के बाद, नीयत आप एक गमले में पानी में मतलब के एक गमला लें, उसके अंदर वो पानी एक घूंट डालते रहे रोजाना,
एक घूंट खुद पीते रहें, एक घूंट उसमें डालते रहें, गमले के अंदर जहाँ पर पौधा है या किसी दरख्त की जड़ में डालते रहें, तो यकीन माने आपका मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एक दफ़ा ये अमल जरूर कीजिएगा। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कारोबार की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, कोई भी मसला है, बहनों का मसला है जो उनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी परेशानियाँ हैं, घरेलू मसला है, जिनमें नाचाकी है, गुस्सा गिला है, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अपनी इस बहन को इजाजत दें। जजाकल्ला।